गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की सिक्स क्लास की बुक निकाल लीजिएगा। फर्स्ट लेसन क्या नाम था फर्स्ट लेसन का? टूटा पहिया। इस लेसन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आता है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के लिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है। मेरे पास एक संतरा है, इसको समझना बाद में लिखना। मेरे पास एक संतरा है। दूसरा दिया गया है, मेरे पास कई संतरे हैं, समझना है पहले इसको। मेरे पास कई संतरे हैं। ये कैसे चेंज हो रहा है? एक वचन या बहुवचन की वजह से, वचन के अनुसार ये वस्तु चेंज हो रही है। मेरे पास एक संतरा है, एक वस्तु के लिए क्या आएगा? एक वचन का रूप आएगा, और जिसके पास कई हैं तो उसमें एक ही मात्रा जुड़ गई, संतरे हैं। मतलब अगर हम वाक्य कई बार शुद्ध करेंगे, इसमें अशुद्ध बोलते हैं कई बच्चे, मेरे पास कई संतरा है, तो क्या ये शुद्ध माना जाएगा? नहीं, मेरे पास एक संतरे हैं, तो ये क्या सही होगा? इसके इनको शुद्ध करने के लिए ही आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है। मेरे पास एक संतरा है, मेरे पास कई संतरे हैं, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, उसमें वचन के अनुसार चेंज हो गया। इस प्रकार से आपको बताया गया है, उपयुक्त वाक्यों में संतरा और संतरे का वचन रूप है, वचनों के अनुसार चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद में परिभाषा लिखिए एक वचन की, हेडिंग डालिए एक वचन। हेडिंग डालिए एक वचन। इसके अंदर लिखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या स्थान, जिस शब्द से किसी, इसके अंदर लिखना है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या स्थान आदि का पता चलता है, आदि का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने भी बताया, एक संतरा है, एक वस्तु के लिए एक वचन का बोध होता है कि हमारे पास एक वस्तु है, तो वो क्या होगी? एक वचन। जैसे उदाहरण के लिए लिखो, पत्ता, जब पेड़ से कोई एक पत्ता गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? पत्ता। अगर बहुत सारे गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे? पत्ते। तो इसमें क्या है? पत्ता। एक वचन के लिए केला, संतरा, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, पत्ता, केला, संतरा, पुस्तक आदि। ठीक है, अगला लिखिए बहुवचन। बहुवचन में क्या हो जाएगा? पत्ता की जगह पत्ते, केला की जगह केले, संतरा की जगह संतरे, पुस्तक की जगह पुस्तकें, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो बहुवचन में लिखिए, जिस शब्द में, बहुवचन में लिखना है, जिस शब्द में, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या स्थानों का पता चले, एक से अधिक वस्तुओं या स्थानों का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। ये वापस लिख लेना, जैसे पत्ता का, पत्ते,
केला का केले, संतरा का संतरे, पुस्तक का पुस्तकें इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करने हैं। क्रम में देखो निम्न शब्दों के वचन बदलिए, आपको वचन बदलना है। जैसे बकरा का बकरे, बेटा का बेटे, माला का मालाएं, माले मत कर देना, मालाएं। ठीक है, गमला का गमले, कमरा का कमरे, ताला का ताला, तालों सॉरी ताले, कविता का कविताएं, घंटा का घंटे, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक का। ठीक है, थैंक यू।